हेलो स्टूडेंट्स हाव आर योर आज हम कीबोर्ड का ही नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि टाइपिंग करने की एफिशिएंसी कि टाइपिंग कैसे करें जिससे हमारी टाइपिंग स्पीड एफिशिएंट हो इफ़ेक्टिव हो स्पीड इंक्रीज़ हो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स प्रोवाइड्स द लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर एफिशिएंट एंड एफेक्टिव टाइपराइटिंग ताकि हमारी टाइपराइटिंग एफिशिएंट और इफेक्टिव हो दे आर इम्पोर्टेंट टू अटेन एंड मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड इससे क्या होगा हमारी टाइपिंग में एक्यूरेसी भी आएगी और स्पीड भी इंक्रीज होगी समीज फैक्टर्स कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमारी टाइपिंग की स्पीड एक्यूरेट भी होगी और स्पीड एक्यूरेसी भी होगी और स्पीड इंक्रीज भी होगी और इफ़ेक्टिव भी होगी सबसे पहले है सिटिंग पोस्चर सिटिंग पोस्चर मतलब कि जब भी हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हमारा पोस्चर बैठने का कैसे होना चाहिए वाइल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर की बोर्ड सिट स्ट्रेट स्लाइटली बैंडिंग है और नेक फॉरवर्ड अपनी जो नेक है वो थोड़ी सी आगे की तरफ बैंड करनी है और बिल्कुल सीधा बैठना है चेक योर और कम्फर्ट एंड सीटिंग पोजिशन ऑन बॉडी अपना आ, सीटिंग जब आप बैठे हो तो आप ऐसे बैठो कि आप कम्फर्टली बैठे हो टच द लोअर पोर्शन ऑफ योर बैक टू द लोअर पोर्शन ऑफ द बैक रेस्ट ऑफ द चेयर आपका जो बैक है वो आपके चेयर के साथ टच होना चाहिए टच पोथ द फीट टू द फ्लोर और अपने दोनों जो फीट हैं वो फ्लोर के साथ टच होनी चाहिए जैसे कि आपको ये पोजिशन इंस्टाइग्राम में दिखाई हुई है एल्बो शुड भी स्लाइटली हायर देन रेस्ट वेन ऑपरेटिंग कीज माउस आपकी एल्बो है वो थोड़ी सी हायर होनी चाहिए देखो ये जैसे इसने ऑपरेट कर रहा है तो उसकी एल्बो थोड़ी सी हायर है यहाँ से द डेस्क should be approximately 680 एटी टू सेवन एंटी हाई जो डेस्क है जो आपका ये वाला ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग 680 एटी टू सेवन ट्वेंटी हाई होना चाहिए द बैक सपोर्ट शुड भी एट एन एंगल ऑफ नाइन्टी टू हंड्रेड सपोर्टिंग दुम कर आपका जो बैक है वो 90 से 100 डिग्री के कोण में ही होना चाहिए फील शुड बी सपोर्टेड ऑन द फ्लोर और by फुट रेस्ट आपके जो फुट हैं वो फ्लोर पे ऐसे होने चाहिए फुट रेस्ट में फ्लैट होने चाहिए there should be approximately टू थ्री finger width clearance between the front edge of the seat and the back of the knee आपके जो आ, आपका knee है और जो ये front edge एज का ये इनके बीच में डिफरेंस टू थ्री फिंगर्स का होना चाहिए तो ये तो जैसे हैं हमारा सिटिंग पोस्टर की सीटिंग पोस्टर कैसे होना चाहिए तो वो चीज इसमें सब में बताई हुई है आपको पोजिशन ऑफ हैंड्स हैंड्स कैसे होने चाहिए Put your फोर आर्म्स एट लेवल विद द कीबोर्ड एंड पाम्स डाउन आपके जो फोर आर्म्स हैं वो की बोर्ड पर होने चाहिए और पाम्स डाउन होने चाहिए कीप योर रिस्ट स्ट्रेट आपकी रिस्ट है जो आपकी आर्म है बाजू है वो स्ट्रेट होनी चाहिए एंड हैंक योर एल्बोज नेचुरली और अपने आपके एल्बो वैसे ही नेचुरली रहने चाहिए डोंट टच द एल्बोज टू द बॉडी नोर बी टू फोर फ्रॉम द बॉडी आपकी बॉडी से टच नहीं रहने चाहिए और बहुत दूर भी नहीं होने चाहिए बैंडेड अबाउट ए नाइन्टी डिग्री एंगल और नाइन्टी डिग्री एंगल पे बैंड रहने चाहिए जैसे हम जैसे हमने इसमें पिक्चर में देखा है ऊपर जैसे ये है इसमें भी दिखा रखा है कि आ, आपके जो एल्बो हैं वो इस पोजिशन में रहने चाहिए और नाइन्टी डिग्री के एंगल में रहने चाहिए नेक्स्ट है मोनीटर प्लेसमेंट मोनिटर प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए डो नॉट पेंड योर नेक वाइल्ड वर्किंग ऑन द मोनीटर आप जब भी आप मोनीटर पर काम कर रहे हो तो आपका नेक ज़्यादा बैंड नहीं होना चाहिए कि अपर बॉर्डर ऑफ स्क्रीन एट द आई लेवल आपकी जो स्क्रीन है मोनीटर की उसको आई लेवल के बिल्कुल सामने रखना है द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द यूजर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्क्रीन जो अब आप, जो आपकी आईज आइज कंटेक्ट है और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आपकी स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग अगर स्क्रीन का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो आपको थोड़ा दूर बैठना है अगर स्क्रीन का साइज नॉर्मल है तो पास बैठना जैसे मान लो इसमें एग्जांपल दे रखा है सेवनटीन इंच की स्क्रीन है अगर आपकी तो आपको सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर से दूर बैठना है जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है अगर ये स्क्रीन बड़ी है तो फिफ्टी टू एटी सेंटीमीटर ये आई इस कंटेक्ट से दूर है मुझे शायद में एक और डायग्राम दे रखा है ये बहुत रॉन्ग वे है सीटिंग का कि किस तरह से बैठा है इसने तो पीछे से भी आ, पीछे से भी इसने अपनी जो बैक है वो स्ट्रेट नहीं रखी हुई और जो इसकी लेग है वो भी सही से पोजीशन में नहीं है और इसका जो आई कंटेक्ट भी है स्क्रीन से बहुत दूर है चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट चेयर और टेबल की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए चेयर एंड टेबल की प्लेसमेंट की एडजस्ट कंप्यूटर चेयर एंड टेबल टू ऑप्टीमल हाइट ऑप्टीमल हाइट मतलब नॉर्मल आपकी जितनी हाइट है उस पर उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए चेयर ऑफ द कंप्यूटर यूजर मस्ट भी सपोर्टिव टू हिज और लोअर बैक और जो चेयर है वो सपोर्टिव होनी चाहिए आपके बैक के लिए कीबोर्ड बोर्ड एंड माइब्रेटिंग डिवाइसेस सच एस प्रिंटर शुड बी ऑन सेपरेट टेबल्स अगर कुछ अलग से डिवाइसेस लगा रखे हैं आपने प्रिंटर और और कोई स्कैनर वगैरह तो वो अलग टेबल पे होने चाहिए तो कंप्यूटर टेबल शुड बी हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर योर लेग्स और आपकी लेग के लिए भी सफिशेंट स्पेस रहना चाहिए टेबल में ये नहीं है कि आपकी लेग में ही बीच में टेबल फंसी हुई है विद द करेक्ट एर्गोनॉमिक्स अगर ये सारी जो एरगोनॉमिक्स हैं ये सारी जो भी पॉइंट्स हैं अगर आप इसको फॉलो करोगे टाइप राइटिंग बिकम ए नेचुरल फिनोमिना विदाउट कोसिंग अननेसेसरी फैटिग्यू इससे क्या होगा अगर आप इस फिनोमिना को हैंडल करोगे तो आपकी जो फैटिग्यू नहीं होगा आपको थकावट नहीं होगी अगर आप ये जितनी भी इसकी वैल्यू है इसको फॉलो करोगे नेक्स्ट है माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट माउस और कीबोर्ड की प्लेसमेंट कैसे रहनी चाहिए कीप द कीबोर्ड एंड माउस टुगेदर एट एन अप्रोसीमेट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर कि आपका जो कीबोर्ड है उसका डिस्टेंस है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर तक होना चाहिए विच विल हेल्प इन स्मूथ एंड एफर्टलेस ऑपरेशन ऑफ कीबोर्ड जिससे आप कीबोर्ड को अच्छे से एफर्टलेस काम कर सको कीबोर्ड पे सेम हाइट ऑफ कीबोर्ड माउस एंड एल्बो हेल्प्स द यूजर टू वर्क कंफर्टेबली क्योंकि अगर माउस और की और कीबोर्ड की सेम जो हाइट होगी तो आप कंफर्टेबली उस पर काम कर पाओगे नेक्स्ट है पोजिशनिंग ऑफ प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप्ड प्लीज़ द मैटर फॉर टाइपिंग टू द लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड प्रेफरेबली ओन ए कॉपी होल्डर बिच हैज़ ए स्लोपिंग सरफेस कि अगर आपको जो भी आपको टाइपिंग करनी है वो आपको कैसे स्टार्ट करनी है लेफ्ट और राइट साइड पर तो कीबोर्ड प्रेफरेली भी एक होल्डर पर होना चाहिए बिच है स्लोपिंग सरफेस जिसका स्लोपिंग सरफेस हो पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड आपकी पोजिशन कैसे होनी चाहिए की बोर्ड पर एस टाइपिंग इज इक्वी लेंट टू पेन और पेंसिल नाउ अडेज मास्टरी ऑफ कंप्यूटर की बोर्ड हैज़ बिकम ऑब्वियस जैसे आप पेन pen, पेंसिल से काम करते हो तो ऐसे ही आपकी पोजिशन कंप्यूटर की बोर्ड पर भी सही होनी चाहिए मास्टरिंग टाइप राइटिंग स्किल्स मीन्स टू अटेन नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल ऑफ की बोर्ड ऑपरेशन बाई करेक्ट पोजिशन फॉर फिंगर्स मास्टर टाइप राइटिंग में क्या स्किल होनी चाहिए कि आपको उसकी जरूरी नॉलेज होनी चाहिए क्या नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कीबोर्ड को परफॉर्म कीबोर्ड uh, को प्रेस करना है करेक्ट पोजीशन क्या है आपकी फिंगर की कीबोर्ड के ऊपर तो इन द होम रो अप्रोच अगर आप होम रो की बात करें जिसको हम हॉरिजेंटल अप्रोच भी कह देते हैं दिस ऑल द एट फिंगर ऑफ बोथ द हैंड्स रेस्ट ऑन द होम कीज ड्यूरिंग द कीबोर्ड ऑपरेशन इसमें एट कीज का एट फिंगर्स का यूज होता है फोर फिंगर्स लेफ्ट हैंड की और फोर फिंगर्स राइट हैंड की इसको हम होम की भी बोल देते हैं द फिंगर्स आर ट्रेंड टू मेक द करेक्ट मूवमेंट टू अदर कीज इन सच ए वे दैट ईच फिंगर इटर्न इमिडिएटली टू इट्स होम की आफ्टर इट हैज डिप्रेस दर्डिंग की इन अदर रो द थंब ऑफ द राइट हैंड इज़ यूज्ड टू अप्रेड द स्पेस बार बा कहने का मतलब ये है ये चारों की जो हमारे चारों फिंगर्स हैं दोनों हैंड की ये सारी की को प्रेस करती हैं हमारी होम की जो रो होती है वो ये वाली होती है अगर हमने ऊपर वाली की भी प्रेस करनी है तो इन्हीं फिंगर से ही ऊपर वाली की भी प्रेस होंगी और अगर हमने स्पेस प्रेस करना है तो वो हमारे थम से प्रेस होगा एलोकेशन ऑफ की टू फिंगर्स द कीबोर्ड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड रो होम रो से स्टार्ट होती है हमारी जो पोजीशन होती है फॉलोड बाय द थर्ड रो उसके बाद थर्ड रो पे आ जाती है जो ये नीचे वाली रो है ठीक है उसके बाद हमारी एंड द फोर्थ रो उसके बाद फोर्थ रो पे जिसको हम नंबर रो बोल देते हैं नंबर रो पे आ जाती है द फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स हैव टू ऑपरेट द कीज एलोडेटेड देम ऑन ईच रो कि आपकी फिंगर्स वही रहती हैं बस फॉलो उसके साथ होती रहती है जैसे कि अगर आपने ए एस डी एफ इन चार की से प्रेस किया है तो उसके बाद भी ये यही चार की प्रेस होंगी उसके बाद यही सेम की इससे प्रेस होंगी जैसे कि एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स ऑन द सेकंड रो सेकंड रो पे कैसे होगी प्लेस योर फिंगर ऑफ ईच हैंड ऑन द होम कीज शोन इन फिगर में जैसे दे रखा है कि आपने अपना फिंगर्स ए एस डी एफ इन चारों फिंगर्स पे आपने ये अपना लेफ्ट हैंड रखा हुआ है ये चार फिंगर्स यूज की कर रखी हैं द रिमेनिंग टू कीज जी एंड एच ऑन द सेकेंड रो आर ऑपरेटेड बाय फोर ऑफ फिंगर्स इंडेक्स फिंगर्स कि जो जी और एच है जी और एच जो ये बीच में खाली कीज दिख रही हैं आपको ये हमारी किससे सेकेंड रो की किससे ऑपरेट की जाएंगी आपकी फोर फिंगर से इंडेक्स फिंगर से मतलब जो जी है वो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से होगा और जो एच है वो जे की आपकी इस इस हैंड की लेफ्ट फिंगर से इंडेक्स फिंगर से होगा मतलब अगर आपको जी प्रेस करना है तो लेफ़्ट की ये इंडेक्स फिंगर यूज़ करेंगे और अगर एच यूज़ करना है तो आपको लेफ्ट हैंड की ये वाली इंडेक्स फिंगर यूज़ करेंगे जैसे मान लो ये प्रैक्टिस दे रखी है कि आपको बारे बार यही प्रेस करना है इसको बारे बारी प्रैक्टिस करने से क्या होगा आपकी जो पोजीशन है वो सेट हो जाएगी आपकी एलोकेशन ऑफ की रिचिस फ्रॉम द होम रो टू द रो अब इट आपको होम रो से अब, अब, अब जाना है द लर्निंग बिगिन रिचिस ए टू क्यू बाय लेफ्ट लिटल फिंगर एंड द फॉर्म ऑफ दिस एंड पी ए टू क्यू बाई लेफ्ट टू क्यू देखिए आप कहाँ हैं इसमें आपको इसे समझ आएगा डायग्राम से ए टू क्यू अगर आपकी ए लिटिल फिंगर से प्रेस हो रहा है ये ए तो क्यू भी इसी फिंगर से प्रेस होगा ठीक है ऐसे ही अगर एस आपका रिंग फिंगर से प्रेस हो रहा है तो डब्ल्यू भी इसी फिंगर से प्रेस होगा तो ये आपको पोजीशन समझ आई होगी इसकी एंड सेमी कोलन टू पी बाय राइट हैंड लिटल फिंगर और जो सेमी कोलन और पी है सेमी कोलन और पी हम देखते हैं कहाँ पे है ये हमारा पी है ठीक है और ये सेमी कोलन तो ये सेमी कोलन हमारा इससे हो रहा है प्रेस लिटल फिंगर से राइट right हैंड की तो उसी के ऊपर जस्ट हमारी लिटल फिंगर से है पी में भी पी को भी हम प्रेस करेंगे तो ये होम रो होगी ये हमारी सेकेंड रो हो गई ठीक है Uh. तो ये चीज करने के बाद दिस इज फॉलोड बाय द प्लेसमेंट ऑफ थर्ड फिंगर उसके बाद सेम ऐसी रिंग फिंगर होंगी उससे वो वाला जो आपका टाइप होगा ये बता रखा है देखो जो क्यू से आप टाइप करते हो जिस फिंगर से आपका क्यू टाइप होता है उससे एल और एफ भी होगा जिससे आप ट्यू डब्ल्यू टाइप करते हो उससे आर एफ भी होगा इसी सेम एज ई एम एफ होगा आर से आई एफ होगा टी से आई एफ होगा एग्जाम्पल देखते हैं जैसे डब्ल्यू कर लेते हैं एग्जाम्पल डब्ल्यू डब्ल्यू किसे टाइप किया है हमने देखो डब्ल्यू है अगर हम एस से टाइप करें तो एस से ही होगा हमारा तो बाकी के केस की पोजीशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा थैंक यू हैव ए नाइस डे